हेलो और नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन एंड एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में मल्टीमीडिया का यूज़ क्या है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का। अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पर बहुत ही कम, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम आईटी टूल्स के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। ये मैं पहले ही कवर करा चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अक्सर एग्ज़ाम वो क्वेश्चन मल्टीमीडिया वाला आने ही आना है, 100% समझ लीजिए। तो आज हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन एंटरटेनमेंट ये पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा थोड़ी सी शॉर्ट डेफिनेशन है, ये ओ लेवल की मैं तैयारी कराता हूँ। ओ लेवल हो गया, एनी कोर्स हो गया जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, मैं वो उस सब के लिए मैंने नोट्स तैयार किए हैं। और ये हमारे ओ लेवल का नोट्स है, इसमें सारे कवर हो जाते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट छोटे छोटे कोर्स होते हैं वो सब ओ लेवल से रिलेटेड, ओ लेवल से नीचे ही माने जाते हैं। जैसे ट्रिपल सी हो गया, 3 मंथ्स का कोर्स, तो ये सब होता है, ठीक है। तो अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि मैंने बेसिक से सारे नोट्स हिंदी में कवर किए हैं, हिंदी में आपको सारे वीडियो मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का प्रमुख किरदार होता है, जहाँ कोई भी मनोरंजन सामग्री जैसे ऑडियो सॉन्ग, वीडियो सॉन्ग बनाने या उसका लुत्फ लेने, दोनों के लिए मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है। यह गाने सुनने, मूवीज़ देखने, गेम खेलने, ये सभी मल्टीमीडिया के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पर बहुत ही कम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं पढ़ाऊंगा मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इन एजुकेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसे आप जरूर पढ़िएगा। ये मैंने पढ़ा दिया क्योंकि ये मैंने नोट किया था, अक्सर कभी कभी पूछा जाता है, तो रिस्क नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये एग्ज़ाम है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कोई पैसे नहीं कटते हैं और बिल्कुल फ्री होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।